नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी वीवीआई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है और समय बहुत कम है। आप ये 20 मिनट के अंदर 15-16 सवाल आराम से सीख सकते हैं और आप पहले से जान रहे हैं तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर एक देख रहे हैं, ए और बी पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 घंटा और 30 घंटे में भरते हैं और पाइप सी पूरे भरे टैंक को 40 घंटे में खाली करता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा टैंक भरने में कितना समय लेगा? तो सवाल को समझ गए होंगे दोस्तों, ए जो है कि 20 घंटों में भरता है और बी जो है कि 30 घंटों में भरता है और सी 40 घंटों से खाली कर देता है। तो आइए इस सवाल को बहुत ही जल्दीबाजी कैसे बनाया जाए। ए जो है दोस्तों आपका ये 20 घंटा में भरता है, बी जो है कि 30 घंटों में भरता है और सी जो है दोस्तों ये 40 घंटों में खाली कर देता है। 40 घंटों में क्या करता है? खाली कर देता है। तो इन तीनों का एलसीएम लेना है। क्या करना है? इन तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम जो लेंगे दोस्तों वो पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल लीटर कितना पानी आएगा। मान लेते हैं ये एक क्या है, टैंक है, यह एक टैंक है, ठीक। अब देखिए इसमें कितना पानी आएगा, तो समझिए इन सबों का एलसीएम लेंगे और जल्दीबाजी में एलसीएम कैसे निकालेंगे, इन सभी संख्या दिया हुआ संख्याओं में जो है कि क्या करेंगे, सबसे बड़ा संख्या को पकड़ेंगे। इसमें सबसे बड़ा संख्या है 40 और इससे छोटा संख्या है 30, तो 40 में 30 से भाग लगेगा नहीं, तो 40 को गुणज में आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80, 80 में भाग नहीं लगेगा तो 4 × 3 = 12 यानी कि 120, 120 में देखते हैं कि 3 से भाग लगेगा और 20 से भाग लगेगा, तो यहाँ टोटल आपका आ गया 120 लीटर टैंकी में पानी भराएगा। जब आप देख रहे हैं कि यह 20 घंटे में, यह 20 घंटे में 120 लीटर पानी भर रहा है तो एक घंटे में कितना लीटर भरता होगा, यह भरता होगा 6 लीटर। कितना भरता होगा? 6 लीटर। अब देखिए 30 घंटे में 120 लीटर भर रहा है तो एक घंटे में कितना भरता होगा, 4 लीटर भरता होगा। अब देखिए 40 घंटे में 120 लीटर पानी भर रहा है इस टैंक में तो एक घंटे में कितना भरता होगा, 3 लीटर भरता होगा। अब सोचिए कि देखिए यह तो सी था, सी क्या था, खाली करने वाला था, इसलिए यहाँ पे माइनस इसमें लगा दिए क्योंकि यह सी खाली करने वाला था। अब जब आप देख रहे हैं आप ये जो हुआ आपका दोस्तों एक घंटे में पानी का ये भर रहा है, तो देखिए ए जो है कि एक घंटे में 6 लीटर भर रहा है, बी जो है कि एक घंटे में 4 लीटर भर रहा है, तो दोनों मिलाकर के ये दोनों भर रहा है, तो दोनों मिलाकर के एक घंटे में कितना भरेगा, एक घंटे में भरेगा 10 लीटर, ठीक। और सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है एक घंटे में। जब एक घंटे में ये दोनों ए बी मिलकर जो है 10 लीटर भर रहा है और सी क्या कर रहा है, 3 लीटर खाली कर रहा है, यानी कि दोस्त तो देखिए ये दोनों मिलकर कितना भर रहा है, 10 लीटर भर रहा है और ये खाली कर रहा है एक घंटे में, तो ये 60 लीटर एक घंटे में पानी भरा रहा है। तो टोटल लीटर कितना भरना था, 120 लीटर भरना था, तो अब एक घंटे में 60 लीटर भर रहा है तो ये 120 लीटर को भरने में कितना देर लगेगा, तो इससे हम भाग देंगे 7 से, तो 7 से इसमें भाग पूरा पूरी नहीं लगेगा, तो यह हो जाएगा 17 × 79 = 1, यानी कि आप इसे पूर्णांक में लिख सकते हैं 17 × 1/7, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर। सवाल नंबर 2, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 मैच में 52 रनों का औसत की दर से रन बनाए। पहले 5 मैचों का औसत 50 रन का था तो बाकी 3 मैच का औसत कितने रनों का होगा? तो दोस्तों आप सवाल को समझ लिए होंगे, कह रहा है सवाल में कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 मैचों में 52 रन का औसत था, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि 5 मैच का औसत 50 रन था, तो पूछ रहा है कि बाकी 3 मैचों का औसत कितना रन होगा। तो देखिए आप जानते होंगे
कि औसत का कुल योग निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का गुणा कर देते हैं। दी हुई संख्या और जितना औसत है उसे जब गुणा करेंगे तो कुल योग आ जाता है। तो देखिए आप देखिए 8 मैच का कुल योग निकालना है, यानी कि दोनों को गुणा कर देना है। तो 52 × 8 बराबर कितना जाएगा, 8 × 16 = 6 × 1 = 40 = 41, 416 रन हो गया। उसके बाद फिर 5 मैचों का औसत, तो 5 मैच का जो निकालेंगे हम कुल योग यानी कि टोटल रन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 50, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 25 × 2 = 50। अब देखिए 3 मैचों का औसत कितने रन होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन दोनों का अंतर हो रहा है, तो आप क्या करिए, इन दोनों का अंतर कितना है, 3 हो रहा है, तो 3 मैचों का औसत यानी कि कुल कितना है, तो ये दोनों भी हम घटा देंगे, 416 में कितना घटाएंगे, 250। तो अब आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना जाएगा, आ गया 166। अब इसका औसत पूछा था, क्या पूछा था, 3 मैचों का औसत, औसत में क्या करेंगे, जितना ये टोटल रन निकल गया 3 मैच में 166 रन बनाए थे और इसका औसत, तो 3 से भाग देंगे तो देखिए 5 × 3 = 15, फिर इससे एक आ गया, 5 × 3 = 15 बच गया 1, तो पॉइंट दे करके बैठा दीजिए, फिर 5 × 3 = 15 यानी कि 55.3, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों 90 मिनट मिलता है, सिर्फ 90 मिनट मिलता है और 100 प्रश्न को सॉल्व करना है, तो इतना ही समय में 100 प्रश्न को, जिसमें कि आपको रीजनिंग 30, मैथ 25, करेंट अफेयर और जीके जीएस, तो इतना सॉल्व करना है दोस्तों सिर्फ 90 मिनट में 100 प्रश्न को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर सवाल है, 11 रुपया 70 पैसे की एक धनराशि में 1 रुपया 50 पैसा और 5 पैसे के सिक्कों 3:5, 5:7 के अनुपात में शामिल है, तो इसमें 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो सवाल को समझ लिया हम लोग दोस्तों, कह रहा है कि 11 रुपया 70 पैसा है, उसमें 1 रुपया 50 पैसा 5 पैसे के अनुपात दिया हुआ है और पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न, तो क्या करेंगे यहाँ पे अनुपात उतार लेंगे, 3:5, 5:7। तो देखिए 1 रुपये का सिक्का जो है 3:5 था, तो 1 रुपये का ये एक रुपया है, यानी कि इसे हम पैसों में बदलेंगे तो 100 पैसा हो जाएगा, तो 100 पैसे से गुणा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपका 5:5 था, तो यहाँ आपको 50 पैसा दिया हुआ है, यानी कि ये पैसा में दिया हुआ, तो ऐसे इसको लिख देंगे। अब देखिए यहाँ आपको 7:5 में क्या कितना है, 5 पैसा है, तो इसे भी हम पैसे में, यानी कि मात्र 1 रुपया था उसके बाद सभी पैसे में था और आपका टोटल पैसा 11 रुपया 70 पैसा है। तो अब इसे आप टोटल कर सकते हैं इन अनुपातों को, तो कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, अनुपात ये कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, अनुपात 7:5 = 35 हो गया। अब इसे आप टोटल कर दीजिए यानी कि कुल योग कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुल योग आपको रुपया दिया हुआ है, तो सभी को जब जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना होगा, ये 5 5 5 हो गया दोस्तों, आपका 5 हो गया, उसके बाद 3 5 3 8, ये 8 हो गया, और फिर दोस्तों आप ये 3 2 5 यानी कि 585 पैसा हुआ, 585 पैसा, और आपका टोटल कितना है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 1170 पैसा, और ये हो गया आपका 585 पैसा। पुश किसका रहा है दोस्तों, 50 पैसे का, तो 50 पैसे दूसरे स्तंभ पे है, तो ये हो जाएगा आपका 5 पैसा। तो इससे जिससे पूछेगा दोस्तों, अनुपात तो बनाए होंगे, बहुत ही आसान है, जिसका पूछेगा, अगर पूछता हमको, पूछता कि 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, तो हम यहाँ पे 3:5 लेते हैं, जिसका पूछता है उसी से यहाँ पे गुणा करते हैं, तो जब इसको कटाइएगा दोस्तों तो आपका ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 5 × 2 = 10, तो आपका 10 सिक्का था 50 पैसे का,
ऑप्शन नंबर डी सही है बिल्कुल। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर चार, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 10 है, बड़ी सम संख्या का मान क्या होगा। देखिए दो क्रमागत सम संख्या पूछ रहा है, तो हम दोस्तों मानेंगे एक क्रमागत जो है पहला संख्या जो है x और दूसरा संख्या मानेंगे क्या x प्लस 2। तो यह हो गया क्रमागत संख्या, क्योंकि हमको संख्या पता नहीं था और दोनों सम संख्या पूछा जा रहा है। तो अब इसका योग दिया हुआ है 10, तो दोनों को जोड़ देंगे x प्लस 2 बराबर 10। तो जब इसे आप जोड़िएगा x प्लस 2 बराबर कितना जाएगा इधर आपका 10। तो 2x प्लस 2 बराबर 10, तो 2x बराबर इधर 10 घट जाएगा यानी कि 8 हो जाएगा यहाँ पे, तो इसे आप कटा सकते हैं। तो x बराबर हो गया आपका 4, x बराबर कितना, तो वह पहला सम संख्या निकल गया 4 और बड़ा है क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बड़ा वाला संख्या माने थे और ये छोटा वाला है, तो छोटा वाला आपका निकल गया 4 और यहाँ पे x प्लस 2 है, तो x के जगह पे 4 और 2 यानी कि बड़ा संख्या 6 आ गया आपका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब देखिए पांचवा नंबर सवाल, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 7 है, त्रिज्या 7 सेमी एवं ऊंचाई 1 सेमी है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो दोस्तों आपको इन सभी क्षेत्रमिति का जो सूत्र याद रखिएगा, तभी इस तरह का प्रश्न को आप जल्दी से बना सकते हैं। तो देखिए आयतन का सूत्र, इसका देखिए बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आप इसे बैठा सकते हैं दोस्तों सूत्र पर। तो देखिए पाई का मान 22/7 जानते हैं, उसके बाद आर यानी कि त्रिज्या कितना दिया है 7 और 7 पे स्क्वायर गुना एच यानी कि ऊंचाई होता है, तो इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है 1 सेमी यानी कि यहाँ पे 1 दे दीजिए आप। देखिए ये हो गया 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 1, तो ये 7 कट गया। अब क्या करिए इसे गुना कर दीजिए, 7 × 2 = 14 बाकी 1, 7 × 14 = 15 और 1 से गुना करेंगे यानी कि 154 घन सेमी आ गया आपका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिल्कुल इसी तरह प्रश्न को दोस्तों जल्दीबाजी में बनाने के लिए सूत्र को याद करना पड़ेगा। सवाल नंबर 6, किसी संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है तो संख्या होगी। दोस्तों कोई एक संख्या है और उसका कह रहा है 1/2, फिर उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। देखिए कोई संख्या हम मान लिए x, कोई संख्या मान लिए x और उसका कह रहा है 1/2 यानी कि गुना 1/2, फिर कह रहा है कि उसी संख्या यानी कि x 1/4 से कितना है 15 अधिक है, तो 15 इसमें जोड़ दिए। अब देखिए क्या करेंगे, जात जात को एक कर लेंगे तो ये हो जाएगा x 2 और ये इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x 4, x ऊपर क्यों एक गुना में आता इधर बच गया आपका 15। अब इसका जब एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। देखिए ये हो गया आपका कितना 2x, क्योंकि 2 × 4 तो 2 गुना हो जाएगा ऊपर, उसके बाद माइनस ये फिर हो जाएगा 4 × 4 ये x हो गया बराबर इधर कितना हो गया आपका 15। अब देखिए इसको जब आप कट क्या होगा 2x में 1x जाएगा कितना बचेगा 1x/4 बराबर 15। अब जानते हैं कोना कोनी गुना होता है, कोना कोनी गुना होता है, तो आपका x बराबर 15 × 60 15 × 60 तो ये 60 आपका वह संख्या था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब देखिए 7 नंबर, यदि a अनुपात b बराबर 5:4 b अनुपात c बराबर 8:35 तो a c का मान होगा। देखिए इसे बहुत ही आसान तरीका से बनाते हैं, यहाँ पे आप a अनुपात b लिखिए बराबर इसका अनुपात कितना दिया हुआ है 5:4, उसके बाद फिर b अनुपात c, ये 3-4 तरह से बना सकते हैं इसको जो आसान है, क्योंकि इस नियम से आप बड़े सदस्य
बड़े से बड़े को भी सवाल को बना सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे यह एक स्टेप छोड़ के लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 8:35। अब जो खाली जगह छोड़े इसको क्या करेंगे, सामने वाला लिखेंगे, इसको सामने वाला लिख दिए। अब आपका देखिए यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी निकल जाएगा 8×5=40, फिर ये हो जाएगा आपका 8×32 अनुपात, ये हो जाएगा आपका 35×100। हमको पूछा था सवाल में ए और सी, तो ए अनुपात सी बराबर आपका आ जाएगा 40:140। तो ये 0-0 कट जाएगा, 2×2=4, 7×2=14, यानी कि 2:7, 2:7 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 8, 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का प्रश्न में जब भी आपको पूछा जाए कि किसी संख्या का औसत दिया हुआ है और कहेगा प्रत्येक में 2 घटाया जाए, 2 जोड़ा जाए, 2 गुना किया जाए, तो उसका डायरेक्ट उस औसत में कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 12 है, इसमें क्या करा है, 2 घटाया जाए, यह कहेगा 2 जोड़ा जाए, यह कहेगा 2 से गुना किया जाए, तो डायरेक्ट उसके औसत में जितना औसत दिया रहेगा उसमें कर दीजिए आप, 2 घटा देंगे कितना आएगा 10। तो ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कि 64/125 के घन रूप का आधार होगा, तो घन रूप का आधार होगा, तो इसे सवाल को समझ लें, घन रूप का आधार क्या होगा। तो देखिए आप इसे 4×4×4 लिख सकते हैं, फिर इसे 5×5×5 लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, ये इसे हम घन को तोड़ दिए, यानी कि ये मेरा घन, तो आप जनरेट करते हैं कि क्यू होता है ये 4/5, ये तो मेरा घन है, ठीक। तो अब देखिए यही मेरा आधार हो गया 4/5, इसे अगर यदि हम क्यूब करेंगे तो मेरा इतना ही आएगा 64/125। तो घन का आधार क्या हुआ, ये हो गया, क्योंकि इसमें से हम एक 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 निकाल लिए, ठीक, जैसे घनमूल निकालते हैं, तो यही बात था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दस नंबर सवाल है, 624 रुपये को 3 मित्रों के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटे गए हैं, तो तीसरे मित्र का हिस्सा ज्ञात करिए। यानी कि 624 रुपया है दोस्तों, उसे 3 मित्र में बांटा गया है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा गया है, तो तीसरे मित्र का पूछा है दोस्तों। देखिए सबसे पहले इसे क्या करेंगे, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ये सही अनुपात में नहीं है, इसे सही अनुपात में लाने के लिए क्या करेंगे, नीचे का एलसीएम लेकर के ऊपर गुना कर देंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12, तो 12×12। अब इसे कटा दीजिए, 6×2=12, 3×4=12, 4×3=12, तो ये आपका सही अनुपात आ गया। तो पूछ रहा है किसका दोस्तों, 624 रुपये को बांटा है तीसरे मित्र का पूछ रहा है, तो टोटल रुपया मेरे पास है यानी कि 624 रुपया, तो 3 मित्र यानी कि ये 3 मित्र है, तो तीनों को जोड़ देंगे, 6×4=10, 6×4=10=13 हो गया, और जिसका पूछेगा उसका गुना कर देंगे, तो तीसरे मित्र का पूछ रहा था तो तीसरे मित्र से गुना कर दिया इसको। अब देखिए ये टोटल क्यों कर दिए, क्योंकि ये टोटल पैसा था और उसमें सभी का हिस्सा तीनों मित्र का हिस्सा है, अब ये जो भाग दे देंगे तो एक निकल जाएगा, यानी कि एक हिस्सा निकलेगा, सभी का एक हिस्सा निकलेगा, तो इसका 3 हिस्सा हो रहा था तो 3 हिस्सा इसका गुना हो जाएगा। तो देखिए अब इसे भाग दीजिएगा, तो 13×52 = 10 और 104, यानी कि ये 48 वर्ग में कट गया। अब 48×3 करिएगा
तो 8 + 3 = 24 किलो, 4 + 2 और 4 + 3 = 12 2 = 14 यानी कि 144 हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर शाम और सुबह दो टाइम आपको ये वीडियो मिलेगा दोस्तों, सुबह और शाम, और 10 प्रश्न रहेंगे बहुत ही कम समय में आपका जो ग्रुप डी आरआरबी एनटीपीसी में सवाल पूछे जाते हैं क्वेश्चन बैंक से, हम आपको इस यह तरह का प्रश्न बता रहे हैं। और जल्दीबाजी आप जितना प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों उतना ही आप मैथ को तेजी से बना सकते हैं। तो आपको अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।